आईपीएल की सभी टीमों को आईपीएल 2023 के लिए अपने रिटेन प्लेयर्स की पूरी लिस्ट 15 नवंबर तक बीसीसीआई को सौंपनी है। ऐसे में सभी टीमें दिन रात माथापच्ची करने में जुटी हुई हैं कि आखिर किन प्लेयर्स को उन्हें रिटेन करना है और किन प्लेयर्स को वो रिलीज करके या फिर ट्रेड विंडो में ट्रेड के लिए डालना चाहती हैं। और कई ऐसे बड़े मार्की इंडियन प्लेयर्स थे जिनकी पिछले कई महीनों से बात चल रही है कि वो आईपीएल की ट्रेड विंडो में या फिर आईपीएल के मिनी ऑक्शन में अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसे चार प्लेयर हम आपके सामने लेकर के आए हैं जिनके अब रिटेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि शुरुआत में उनके रिटेंशन पर बहुत बड़े बड़े सवाल थे क्योंकि उनका प्रदर्शन इस लेवल का नहीं था और वो अपनी टीम में ठीक से फिट भी नहीं बैठ रहे थे। तो एक एक करके इन सभी प्लेयर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। नंबर वन प्लेयर जिनके आईपीएल 2023 से पहले रिलीज होने की बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी टीम उन्हें आने में कामयाब हो जाएगी, इज रविंद्र जाडेजा फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स। रविंद्र जाडेजा अगर आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन में आते हैं तो वो इस साल के सबसे मार्की प्लेयर बनने वाले हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। और कई टीम्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को अप्रोच किया था, ऐसी खबर निकल करके आई थी कि जाडेजा के ट्रेड के लिए कई टीमें इंटरेस्टेड थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले रविंद्र जाडेजा ने अपने सोशल मीडिया पर एक गाना शुरू किया जिसके बैकग्राउंड में तमिल म्यूजिक बज रहा था और इससे ये बात के और ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि जड्डू अब शायद धीरे धीरे अपना मन बदल रहे हैं। और कई जर्नलिस्ट ने भी इस बात को बोला है कि शायद टेक्निकल क्लॉज की वजह से जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बने रहेंगे क्योंकि उनको 16 करोड़ में टीम ने रिटेन किया था, धोनी से भी ज्यादा पैसे उनको मिले थे। हालांकि कैप्टेंसी के पूरे सागा के बाद और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी पिछले साल नहीं किया था बिकॉज कैप्टेंसी वॉज प्लेइंग इन हिज माइंड और स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत ज्यादा नहीं था, विकेट्स भी उन्होंने नहीं लिए और फिर वो इंजरी भी हो गई, इस समय भी वो इंजरी से जूझ रहे हैं। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस की वजह से और उसके साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स के पुराने रिश्ते को देखते हुए रविंद्र जाडेजा अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स में बने रह सकते हैं। हालांकि इसकी कॉन्फर्मेशन हमें आने वाले समय में ही पता चलेगी लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीएसके और जाडेजा के बीच बात बन जाएगी। सेकंड प्लेयर जिनके आईपीएल 2023 से पहले रिलीज होने की बड़ी बड़ी बातें निकल करके आई थी लेकिन वो अभी भी अपनी टीम के साथ बने रहेंगे ये तकरीबन कंफर्म होने ही वाला है, इज शाहरुख खान फ्रॉम पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2021 से पहले एसआरके को अपनी टीम में लिया, उसके बाद 2022 में 9 करोड़ रुपए उन्होंने शाहरुख को दिए और दोबारा से उन्हें अपनी टीम में लिया। हालांकि उनका प्रदर्शन उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और विजय हजारे में पिछले साल करके आ रहे थे और लियम लिविंगस्टोन के साथ भनु का राजपक्ष जॉनी बेयरस्टो और उसके साथ साथ द राइज ऑफ जितेश शर्मा ने शाहरुख खान को प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया और उसके बाद टीम में उनके लिए जगह बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन शाहरुख खान की एज अभी उनके साथ है, अभी उनको और ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है। हालांकि आईपीएल 2022 में जितना प्रदर्शन पंजाब उनसे चाहती थी उसके आसपास भी उनका प्रदर्शन नहीं था, लेकिन जब आप 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी टीम के प्लेयर में करती है कोई टीम तो वो उन्हें एक आध सीजन अपने साथ रखे इसी में अकलमंदी है। एक सीजन के बाद उन्हें छोड़ देना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता, खास करके जब आपके पास इतना तगड़ा भारतीय खिलाड़ी हो। कई टीमें उनको ट्रेड कराने में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे में आने वाले समय में किस तरफ ये रिश्ता जाता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ट्रेवर बेलिस जैसे कोच उसके साथ साथ ब्रैड हेडन भी वहां पर आ गए हैं तो पंजाब किंग्स की स्ट्रेटेजी भी बदलेगी और ऐसा देखने में जरूर लग रहा है कि शाहरुख खान उन्हीं के साथ बने रहेंगे। थर्ड प्लेयर जिनको रिलीज किए जाने की बात बहुत मार्केट में आई थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी टीम में बरकरार रहेंगे, इज वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। अब अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को वरुण चक्रवर्ती की जरूरत नहीं है, खास करके अब जब आईपीएल में होम एंड अवे वाला फॉर्मेट वापस आ रहा है, आप 7 मैच अपने घर में खेलोगे तो ईडन गार्डन्स के छोटे से मैदान पर नारायण और चक्रवर्ती आपके ज्यादा काम नहीं आएंगे इकट्ठा, उसके जगह पर आप 8 करोड़ रुपए किसी और प्लेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और कई ऐसी टीमें हैं जो वरुण चक्रवर्ती को हाथों हाथ खरीद सकती हैं। हालांकि चक्रवर्ती ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 7.5 का इकोनॉमी है, 42 विकेट्स हैं, लेकिन वो यूएई की धीमी विकेटें और चेन्नई की धीमी विकेटों में था। पिछले साल जब महाराष्ट्र की अच्छी बैटिंग विकेट्स पर आईपीएल हुआ तो चक्रवर्ती वॉज नॉट दैट इफेक्टिव और उसके साथ साथ सुनील नारायण को भी आपने टीम में खिलाना है, चक्रवर्ती आपको बल्लेबाजी करके नहीं दे सकते,
बहुत अच्छे वो फील्डर नहीं है, तो अगर उनको रिलीज करते तो वो ज़्यादा अच्छी चॉइस होती। लेकिन एज पर रिपोर्ट्स ऐसा बताया जा रहा है कि केकेआर अपने जो उनकी जो स्क्वाड है उसमें वो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने वाले और वरुण चक्रवर्ती पर उन्हें अभी भी भरोसा है कि ही विल अप हिज गेम। ऐसे में हो सकता है कि आईपीएल 2023 में भी चक्रवर्ती हमें केकेआर से खेलते हुए ही दिखाई दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ प्लेयर जो कि आईपीएल की ट्रेड विंडो का अब शायद हिस्सा ना बने और अपनी टीम में ही रिटेन रहे, इस देवदत्त पड्डीकल फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। अब देवदत्त पड्डीकल राजस्थान रॉयल्स के लिए नंबर 4 पर खेल रहे थे, कुछ मैचेस में उन्हें बाहर भी बैठना पड़ा और ओपनिंग करते हुए जब देवदत्त पड्डीकल का स्ट्राइक रेट 124 का था तो राजस्थान रॉयल्स ने कैसे समझा कि नंबर 4 पर वो आपके लिए उसी तरीके का प्रदर्शन करके दे सकते हैं जिस तरीके से वो ओपन में खेलते हैं, क्योंकि बॉल अच्छे से बैट पर नहीं आती, आते के साथ ही आपको स्पिन का सामना करना पड़ता है, फील्ड खुली होती है, तो एक यंगस्टर को आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करवाना राजस्थान रॉयल्स के लिए भी अच्छा नहीं था और देवदत्त पड्डीकल के करियर के लिए भी अच्छा नहीं था। लेकिन अभी ऐसा मालूम पड़ रहा है कि 7 करोड़ से ज्यादा रकम देवदत्त पड्डीकल को देने के बाद एक सीजन से ज्यादा वो उन्हें अपनी टीम में और रखना चाहते हैं और इसीलिए अब शायद उनका ट्रेड विंडो में आना या फिर मिनी ऑक्शन में आना बहुत ही ज्यादा इसके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कई ऐसी टीमें हैं मेरा मानना है जो कि देवदत्त पड्डीकल के करियर के लिए अच्छी हो सकती है, देवदत्त पड्डीकल अगर वहां पर ओपन करते हैं तो उनके करियर को एक बार फिर से किक स्टार्ट मिल सकती है, जो एक समय भारतीय टीम के आसपास थे अब रेस में थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या राजस्थान रॉयल्स उनसे अलग होगी, इसके चांसेस अभी बहुत ही कम है। इनमें से कितने प्लेयर रिलीज होते हैं और कितने प्लेयर रिटेन होते हैं ये तो जब आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो शुरू होगी और जब आईपीएल की सभी टीमें बीसीसीआई को अपनी रिटेंशन लिस्ट सौंपेंगी तभी पूरी तरीके से साफ होगा। लेकिन एज पर टुडे ऐसा लग रहा है कि ये 4 खिलाड़ी अपनी टीम में बने रहेंगे। मेरा ओपिनियन आप जानते हो, मैं चाहता हूं कि देवदत्त पड्डीकल और उसके साथ साथ यहां पर वरुण चक्रवर्ती को केकेआर और आरआर रिलीज करे। वहीं अगर शाहरुख खान पंजाब किंग्स से बने रहते हैं, अगर पंजाब किंग्स उन्हें अपने साथ रखती है तो इट विल बी अ गुड डिसीजन बाय पंजाब किंग्स। और फिर सीएसके तो जडेजा का ही घर रहा है, तो जडेजा अगर सीएसके के साथ बने रहते हैं तो चेन्नई के फैंस के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अब ऐसा कितना होगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि आपका इन चारों प्लेयर्स के रिटेन होने या फिर रिलीज होने पर क्या ओपिनियन है और उसके साथ साथ आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। वर्ल्ड T20 के एनालिटिकल वीडियोस हम ऑलरेडी कर रहे हैं, सो मेक श्योर यू चेक दोस आउट टू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज दिस चैनल बिलोंग्स टू यू। और आप ही के लिए आईपीएल 2023 की ट्रेडिंग विंडो और उसके बाद मिनी ऑक्शन को लेकर के बेहतरीन कॉन्टेंट आने वाला है, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।